हेलो एवरीवन माय नेम इज शौर्य गुप्ता एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए इन वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सो फर्स्ट इज कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या फिर इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ऑन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स सो आपको कभी भी कोई सोल्यूशन को नहीं देखना किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को नहीं देखना जब तक कि आपने अपना बेस्ट नहीं दे दिया है आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आपने उस पर एक या दो घंटे बिता दिए एंड अगर आप उसकी कोई अप्रोच नहीं सोच पा रहे हो यू हैव गिवन योर हंड्रेड परसेंट देन ओनली आप उसके प्रॉब्लम के सोल्यूशन को देखो उसके एडिटोरियल्स देख लो या डिस्कशन देख लो एंड देन गो थ्रू द कोड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इससे क्या होगा आपकी लर्निंग और अच्छी होएगी अगर आप सीधा सोल्यूशन देखने चले जाओगे बिना एफर्ट करे तो उससे आपकी लर्निंग में बिल्कुल कोई इंक्रीमेंट या कुछ फ़ायदा नहीं होगा बिल्कुल पॉइंटलेस है फिर सेकेंड इज कि भाई जब आपका कॉन्टेस्ट खत्म हो रहा है देन इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपने जो प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करी थी या आपसे नहीं हो पाई थी या फिर उसमें रॉन्ग आंसर आया था आपका आप उन प्रॉब्लम्स को फिर से सॉल्व करो खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कुछ हिंट्स देख लो दिस इज वेयर रियल लर्निंग स्टार्ट थर्ड इज बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना आफ्टर कॉन्टेस्ट अपने दोस्तों का या फिर किसी और का सोल्यूशन देखने से मे भी ऐसा हो सकता है जो आपके फ्रेंड ने अप्रोच यूज़ करी है या फिर किसी और ने अप्रोच यूज़ करी है वो आपके लिए नई अप्रोच हो एंड वो और ज़्यादा एफिशेंट अप्रोच हो फोर्थ इज़ यू कैन रेफर टू ब्लॉग्स ऑन कोड फोर्सेस रिटन बाय हाईली रेटेड कोडर्स इससे आपको उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा मेन चीज़ फिफ्थ जो आपको याद रखनी है कि आपको सिंपल प्रॉब्लम्स पे अटके नहीं रहना जब आपको लगे कि भाई हाँ इतनी लेवल वाली प्रॉब्लम मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ एंड मैं ये इनको सॉल्व कर पाऊंगा देन इंक्रीज योर डिफिकल्टी लेवल कंफर्ट लेवल जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो ऐसी प्रॉब्लम्स करो जो आपको पुश करें और चैलेंज करें एंड मेन चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वाइल परफॉर्मिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज कि आपको अपनी रेटिंग के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको मेनली अपनी ग्रोथ के बारे में ध्यान देना है इफ आप अपनी लर्निंग को और अपने ग्रोथ uh, पर ध्यान दोगे तो आपकी रेटिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी